एक ऋषि राज की पावन कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम एक अमर इतिहास के कुछ पन्ने पलटाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, नर मधुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। भारत के प्रांत गुजरात में एक गांव है टंकारा, उस गांव के ब्राह्मण कुल में जन्मा एक बालक प्यारा। बालक के पिता थे करसन जी, माँ थी अमृत बाई। उस दंपति से हम सब ने एक अनमोल निधि पाई। हम टंकारा की पुण्य भूमि को शीश झुकाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर नामकरण की विधि हुई एक दिन करसन जी के घर। अमृत बा का प्यारा बेटा बन गया मूल शंकर। पांचवें बरस में स्वयं पिता ने अक्षर ज्ञान दिया, आठवें बरस में कुल गुरु ने उपवीत प्रदान किया। इस तरह मूल जी जीवन पथ पर चरण बढ़ाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। जब लगा चौदहवां साल तो एक दिन शिवरात्रि आई। उस रात की घटना से कुमार की बुद्धि चकराई। जिस घड़ी चढ़े शिव के सिर पर चूहे चोरी चोरी, मूल जी ने समझी तुरंत मूर्ति पूजा की कमजोरी। हर महापुरुष के लक्षण बचपन में दिख जाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर एक दिन माँ से पुत्र बोला, माँ दुनिया है फानी, मैं मुक्ति खोजने जाऊंगा, फानी है ये जिंदगानी। चुपचाप सुन रहे थे बेटे की बात पिता ज्ञानी, जल्दी से उन्होंने उसका ब्याह कर देने की ठानी। इस भांति ब्याह की तैयारी करसन जी कराते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम।
शादी की बात को सुन के युवक में क्रांति भाव जागे। वो गुपचुप एक सुनसान रात में घर से निकल भागे। तेजी से मूल जी में आए कुछ परिवर्तन भारी। दीक्षा लेकर वो बने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी। हम कभी कभी भगवान की लीला समझ न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। फिर जगह जगह पर घूम युवक ने योगाभ्यास किया। कुछ काल बाद पूर्णानंद ने उनको संन्यास दिया। जिस दिवस शुद्ध चैतन्य यहाँ संन्यासी पद पाए, वो स्वामी दयानंद सरस्वती उस दिन से कहलाए। हम जग प्रसिद्ध इस नाम पे अपना हृदय लुटाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संन्यास बाद स्वामी जी ने की घोर तपश्चर्या। सच्चे सद्गुरु की तलाश यही थी उनकी दिनचर्या। गुजरात से पहुँचे विंध्याचल, फिर काटा पंथ बड़ा। फिर पार करके हरिद्वार, हिमालय का रास्ता पकड़ा। अब स्वामी जी के सफर की हम कुछ झलक दिखाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। तीर्थों में गए, मेलों में गए, वो गए पहाड़ों में। जंगल में गए, झाड़ी में गए, वो गए अखाड़ों में। हर एक तपोवन तपस्थली में योगी राज ठहरे। पर हर मुकाम पर मिले उन्हें कुछ भेद भरे चेहरे। साधु से मिले, संतों से मिले, वृद्धों से मिले स्वामी। योगी से मिले, जतियों से मिले, सिद्धों से मिले स्वामी। त्यागी से मिले, तपसी से मिले, वो मिले अखड़ों से। ज्ञानी से मिले, ध्यानी से मिले, वो मिले फक्कड़ों से। पर कोई जादू कर न सका मन पर स्वामी जी के। सब ऊंची दुकानों के उन्हें पकवान लगे फीके। योगी का कलेजा टूट गया, वो बहुत हताश हुए। कोई सद्गुरु न मिला, इससे वो बहुत निराश हुए। आँखों से छलकते आंसू स्वामी रोक न पाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। इतने में अचानक अंधकार में प्रगटा उजियारा।
प्रज्ञा चक्षु का पता मिला एक वृद्ध संत द्वारा। मथुरा में रहते थे एक सद्गुरु विरजानंद नामी, उनसे मिलने तत्काल चल पड़े दयानंद स्वामी। आखिर एक दिन मथुरा पहुँचे तेजस्वी सन्यासी, गुरु के दर्शन से निहाल हुई उनकी आँखें प्यासी। गुरु के अंतर चक्षु ने पात्र को झट पहचान लिया, उसकी प्रतिभा को पहले ही परिचय में जान लिया। सदगुरु की अनुमति मांग दयानंद उनके शिष्य बने, आगे चल कर के यही शिष्य भारत के भविष्य बने। गुरु आश्रम में स्वामी जी ने जमकर अभ्यास किया, हर विद्या में पारंगत बन आत्मा का विकास किया। जो कर्मठ होते हैं वो मंजिल पा ही जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु कृपा से एक दिन योगी राज वामन से विराट बने, वो गूढ़ ज्ञान की दुनिया के अनुपम सम्राट बने। सब छात्रों में थे अपने दयानंद बड़े बुद्धिशाली, सारी शिक्षा बस 3 वर्ष में पूरी कर डाली। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु दक्षिणा के क्षण आए, मुट्ठी भर लौंग स्वामी जी गुरु की भेंट हेतु लाए। जो लौंग दयानंद लाए थे श्रद्धा से चाव से, वो लौंग लिए गुरु जी ने बड़े ही उदास भाव से। स्वामी ने गुरु से विदा मांगी, जब आई विदा घड़ी तब अंध गुरु की आँख में गंगा जमुना उमड़ पड़ी। वो दृश्य देख कर हुई बड़ी स्वामी को हैरानी, पर इतने में ही गुरु के मुख से निकल पड़ी वाणी। जो वाणी गुरुमुख से निकली वो हम दोहराते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु बोले सुनो दयानंद, मैं निज हृदय खोलता हूँ, जिस बात ने मुझे रुलाया है वो बात बोलता हूँ। इन दिनों बड़ी दयनीय दशा है अपने भारत की, हिल गई है सारी बुनियादें इस भव्य इमारत की। पिस रही है जनता पाखंडों की भीषण चक्की में, आपस की फूट बनी है बाधा अपनी तरक्की में। है कुरीतियों की कारा में सारा समाज बंदी, संस्कृति के रक्षक बने हैं भक्षक हुए हैं स्वच्छंदी। कर दिया है गंदा धर्म सरोवर मोटे मगरों ने, जर्जरित जाति को जकड़ा है बदमाश अजगरों ने। भक्ति है फंसी मक्कारों के मजबूत सिकंजों में,
आर्यों की सभ्यता रोती है पापियों के पंजों में। गुरु की वाणी सुनकर स्वामी व्याकुल हो जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। गुरु फिर बोले ईश्वर बिकता अब खुले बाजारों में, आया है भयंकर परिवर्तन आचार विचारों में। हर चबूतरे पर बैठी है बंठन कर चालाकी, उस ठगनी ने है सबको ठगा कोई न बचा बाकी। बीमार है सारा देश, चल रही है प्रतिकूल हवा, कोई ऐसा जो इसकी करे दवा। हे दयानंद इस दुखी देश का तुम उद्धार करो, मझधार में है बेड़ा बेटा तुम बेड़ा पार करो। एक अंध गुरु की यही है इच्छा, इस पर ध्यान धरो। भारत के लिए तुम अपना सारा जीवन दान करो, संकट में है अपनी जन्मभूमि तुम जाओ करो रक्षा। जाओ बेटे भारत के भाग्य का तुम बदलो नक्शा। स्वामी जी गुरु की चरण धूल माथे पे लगाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। आज्ञा अनुसार इस तरह अपने ब्रह्मचारी करने को देश उद्धार चल पड़े बन के क्रांतिकारी। कर दिया शुरू स्वामी जी ने एक धुआंधार दौरा, हर नगर गांव के सभी कुंभकर्णों को झकझोरा। दिन रात ऋषि ने घूम घूम कर अपना वतन देखा, जब अपना वतन देखा तो हर तरफ घोर पतन देखा। मंदिरों पे कब्जा कर लिया था मिट्टी के खिलौनों ने, बदनाम किया था भक्ति को बदनीयत बोनों ने। रमणियां उतारा करती थी आरती महंतों की, वो दृश्य देखती रहती थी टोली श्रीमंतों की। छिप छिप कर लंपट करते थे पर्दे में प्रेम लीला, सारे समाज के जीवन का ढांचा था हुआ ढीला। यह देख ऋषि संपूर्ण क्रांति का बिगुल बजाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। धर्म पुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम। क्रांति का करके ऐलान ऋषि मैदान में कूद पड़े, उनके तेवर को देख हो गए सबके कान खड़े। एक हाथ में था झंडा उनके, एक हाथ में थी लाठी। वो चले बनाने हर हिंदू को फिर से वेद पाठी।
हरिद्वार में कुंभ का मेला था, ऐसा अवसर पाकर पाखंड खंडिनी ध्वजा गाड़ दी ऋषि ने वहां जाकर। फिर लगे घुमाने सन्यासी जी खंडन का खांडा, कितनी ही गुप्त बातों का उन्होंने फोड़ दिया भांडा। धज्जियां उड़ा दी स्वामी ने सब झूठे ग्रंथों की, बखिया उधेड़ कर रख दी सारे मिथ्या पंथों की। ऋषिवर ने तर्क तराजू पर सब धर्म ग्रंथ तोले, वेदों की तुलना में निकले वो सभी ग्रंथ पोले। वेदों की महत्ता स्वामी जी सबको समझाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। चलती थी हुकूमत हर तीर्थ में लोभी पंडों की, स्वामी ने पोल खोली उनके सारे हथकंडों की। आए करने ऋषि का विरोध गुंडे हट्टे कट्टे, पर अपने वज्र पुरुष ने कर दिए उनके दांत खट्टे। दुर्दशा देश की देख ऋषि को होती थी ग्लानी, पुरखों की इज्जत पर फेरा था लुच्चों ने पानी। बन गए थे देश के देवालय लालच की दुकाने, मंदिरों में राम के बैठी थी रावण की संताने। स्वामी ने हर भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश किया, दंभियों पे करके प्रहार हर एक पाखंड का नाश किया। लाखों हिंदू संगठित हुए वैदिक झंडे के तले, जलने वाले कुछ द्वेषी इस घटना से बहुत जले। इस तरह देश में परिवर्तन स्वामी जी लाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। कुछ काल बाद स्वामी ने काशी जाने की ठानी, उस कर्म कांड की नगरी पर अपनी भ्रकुटी तानी। जब भरी सभा में स्वामी की आवाज बुलंद हुई, तब दंग हो गए लोग बोलती सबकी बंद हुई। वेदों में मूर्ति पूजा है कहाँ, स्वामी ने सवाल किया। उस विकट प्रश्न ने सभी दिग्गजों को बेहाल किया। काशी वालों ने बहुत सिर फोड़ा की माथा पच्ची, पर अंत में निकली दयानंद जी की ही बात सच्ची। मच गया तहलका अभिमानी धर्माधिकारियों में, भारी भगदड़ मच गई सभी पंडित पुजारियों में। इतिहास बताता है उस दिन काशी की हार हुई, हर एक दिशा में ऋषि राजा की जय जयकार हुई। अब हम कुछ और करिश्मे स्वामी के बतलाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम।
उन दिनों बोलती थी घर घर में मर्दों की तूती, हर पुरुष समझता था औरत को पैरों की जूती। ऋषि ने जुल्मों से छुड़वाया अबला बेचारी को, जगदम्बा के सिंहासन पर बैठा दिया नारी को। बदकिस्मत बेवाओं के भाग्य भी उन्होंने चमकाए, उनके हित नाना नारी निकेतन आश्रम खुलवाए। स्वामी जी देख सके ना विधवाओं की करुण व्यथा, करवा दी शुरू तुरंत उन्होंने पुनर्विवाह प्रथा। होता था धर्म परिवर्तन भारत में खुल्लम खुल्ला, जनता को नित्य भरमाते थे पादरी और मुल्ला। स्वामी ने उन्हें जब कस कर मारा शुद्धि का चांटा, सारे प्रपंचियों की दुनिया में छा गया सन्नाटा। फिर भक्तों के आग्रह से महर्षि बंबई जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। भारत के सब नगरों में नगर बंबई था भाग्यशाली, ऋषि जी ने पहले आर्य समाज की नींव यहीं डाली। फिर उसी वर्ष स्वामी से हमें सत्यार्थ प्रकाश मिला, मन पंछी को उड़ने के लिए नूतन आकाश मिला। सदियों से दूर खड़े थे जो अपने अछूत भाई, ऋषि ने उनके सिर पर इज्जत की पगड़ी बंधवाई। जो तंग आ चुके थे अपमानित जीवन जीने से, उन सब दलितों को लगा लिया स्वामी ने सीने से। बंबई के बाद एक रोज ऋषि पंजाब में जा निकले, उनके चरणों के पीछे पीछे लाखों चरण चले। लाखों लोगों ने मान लिया स्वामी को अपना गुरु, सत्संग कथा कीर्तन प्रवचन घर घर हो गए शुरू। स्वामी का जादू चकराते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। पंजाब के बाद राजपूताना पहुँचे नरबंका, देखते देखते बजा वहाँ भी वेदों का डंका। अगणित जिज्ञासु आने लगे स्वामी की सभाओं में, मच गई धूम वैदिक मंत्रों की दसों दिशाओं में। सब भेद भाव की दीवारों को चकनाचूर किया, सदियों का कूड़ा करकट स्वामी जी ने दूर किया। ऋषि के उपदेश ने लाखों की तकदीर बदल डाली, जो बिगड़ी थी बरसों से वो तस्वीर बदल डाली। फिर वीर भूमि मेवाड़ में पहुँचे अपने ऋषि ज्ञानी, खुद उदयपुर के राणा ने की उनकी अगवानी। राणा ने उन्हें देनी चाही एक लिंग जी की गादी, पर वो महंत की गादी ऋषि ने सविनय ठुकरा दी। इतने में जोधपुर का आमंत्रण स्वामी पाते हैं,
आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। जोधपुर के शासन की बड़ी थी बदनामी, भक्तों ने रोका फिर भी बेधड़क पहुंच गए स्वामी। जसवत सिंह के उस राज में था दुष्टों का बोलबाला, राजा था विलासी इस कारण हर तरफ था घोटाला। एक नीच तवायफ बनी थी राजा के मन की रानी, की बड़ी चुलबुली वो चुड़ैल करती थी मनमानी। स्वामी ने राजा को सुधारने किए अनेक जतन, पर बिल्कुल नहीं बदल पाया राजा का चाल चलन। उल्टा की पालकी को एक दिन राजा ने दिया कंधा, स्वामी को भारी दुख हुआ वो दृश्य देख गंदा। स्वामी जी बोले, हे राजन तुम ये क्या करते हो, तुम शेर पुत्र हो करके एक कुतिया पर मरते हो। स्वामी सारा महल गुंजाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। राजा ने तुरंत माफी मांगी हो करके शर्मिंदा, पर आग बबूला हो गई वेश्या सह न सकी निंदा। षड्यंत्र रचा ऋषि के विरुद्ध उल्टा पिशाचिनी ने, जहरीला जाल बिछाया उस विकराल सांपिनी ने। वेश्या ने ऋषि के रसोइये पर दौलत बरसा दी, पाकर संपदा अपार वो पापी बन गया अपराधी। सेवक ने रात के दूध में गुपचुप सखिया मिला दिया, फिर कांच का चूरा डाल ऋषि राजा को पिला दिया। भोले ऋषि ने पी लिया दूध वो मधुर स्वाद वाला, पर फौरन स्वामी भाप गए कुछ दाल में है काला। अपने सेवक को तुरंत ही बुलवाया स्वामी ने, खुद उसके मुख से सकल भेद खुलवाया स्वामी ने। पश्चातापी को महामना नेपाल भगाते हैं, आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। आए डॉक्टर आए हकीम और वैद्यराज आए, पर दवा किसी की नहीं लगी सबके सब घबराए। तब रुग्ण ऋषि को जोधपुर से ले जाया गया आबू, पर वहां भी उनके रोग पे कोई पा न सका काबू। आबू के बाद अजमेर उन्हें भक्तों ने पहुंचाया, कुछ ही दिन में ऋषि समझ गए अब अंत काल आया। वे बोले, हे प्रभु तूने मेरे संग खूब खेल खेला, तेरी इच्छा से मैं समेटता हूँ जीवन मेला। बस एक यही विनती है तरयामी, मेरे बच्चों को तू संभालना जगपालक स्वामी।
जब अंत घड़ी आई तो ऋषि ने ओम शब्द बोला, केवल ओम शब्द बोला, फिर चुपके से धर दिया धरा पर नाशवान चोला। इस तरह ऋषि तन का पिंजरा खाली कर जाते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम। संसार के आर्यो सुनो, हमारा गीत है एक गागर, इस गागर में हम कैसे भरें ऋषि महिमा का सागर। स्वामी जी क्या थे कैसे थे हम ये न बता सकते, उनकी गुण गरिमा अल्प समय में हम नहीं गा सकते। सच पूछो तो भगवान का एक वरदान थे स्वामी जी, हर दशकंधर के लिए राम का बाण थे स्वामी जी। प्रतिभा के धनी एक जबरदस्त इंसान थे स्वामी जी, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के प्राण थे स्वामी जी। क्या बर्मा क्या मॉरीशस क्या सूरीनाम क्या फीजी, इन सब देशों में विद्यमान है आज भी स्वामी जी। केनिया गुआना त्रिनिदाद सिंगापुर युगंडा, उड़ रहा सब जगह बड़ी शान से आर्यों का झंडा। हर आर्य समाज में आज भी स्वामी जी मुस्काते हैं। आनंद कंद ऋषि दयानंद की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ऋषिवर को लाख प्रणाम, गुरुवर को लाख प्रणाम, धर्म धुरंधर मुनिवर को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। ओ